हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ महिंद्रा 605 डी इनोवो। और देख सकते हो इसका जो सामने का जो टाइमिंग कवर का प्लेट है, प्लेट का जो बियरिंग है जो पुली घुमाने का काम करता है, हैंड बेल्ट और सामने का जो पंखा घुमाने का जो काम करता है उसका जो बियरिंग बहुत बार क्या क्या ख़राब हो जाता है, ख़राब होने के बाद किस तरीके से चेंज किया जाता है उसको दिखाऊँगा आपको। देख सकते हो इसका टाइमिंग कवर का जो प्लेट है, देख सकते हो पुराना बैरिंग है, पुराना बैरिंग खराब हो चुका है। खराब होने से क्या है, यहाँ से आयल लीकेजिंग होता है। देख सकते हो यहाँ इसका जो आयल सील है, सील का पार्ट नंबर आप देख सकते हो 40 है 20369E05 282 से रेट आयल सील का। देख सकते हो सील के ऊपर में भी इसका नंबर है 42728। इस नंबर पे से भी आप आयल सील को लेके आ सकते हो। और एक बियरिंग, तो बियरिंग का जो पार्ट नंबर है 40028 3E05, इसका रेट है 484। इस तरीके का बियरिंग है। बियरिंग पे ऊपर में जो नंबर भी है 6207 का है, देख लो 6207। हाँ, ये दूसरा बैरिंग है, छोटा दो बैरिंग रहता है इसमें, 40028 2288E05, 437 इसके रेट है। देख सकते हो ये बैरिंग का नंबर भी है, 6007 का बैरिंग है, 6007। तो बैरिंग कुछ इस तरीके से आपको पहले यहाँ पर सेटिंग कर लेना है। बैरिंग सेट करने के बाद जो लॉक, इस तरीके से आपको लॉक को फिटिंग करना है। मतलब सील की इस तरीके से आपको फिटिंग करना है। अभी जो गियर है इसको कुछ इस तरीके से आपको फिटिंग करना है, कुछ इस तरीके से आपको ट्रक के अंदर फिटिंग करना है। तो ये जो वॉशर है इस तरीके का, इसको भी आपको सेटिंग करना है यहाँ पर, तो अंदर में अच्छे से सेटिंग करके उसके बाद इसको जो बैरिंग है ऊपर का 6007 का बैरिंग है उसको आपको सेटिंग करना है। तो इस लेवल पे जो है आपको बैरिंग को सेटिंग करके उसके बाद ऊपर का पुली का बोल्ट कहाँ है, 22 नंबर बोल्ट। तो अभी जो चाल है पूरा बंद हो चुका है, या चाल की वजह से यहाँ से आयल जो है लीकेजिंग हो रहा था, अच्छे से सफाई कर लिया हूँ। सफाई करके इस तरीके से आप जो है बोल के सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से फिटिंग करके गाड़ी के साथ सेट कर सकते हो। देखो तो फिटिंग हो चुका है पूरा अच्छे से, जैसे गाड़ी आपको स्टार्ट करके नहीं दिखा पाऊँगा, क्या है थोड़ा लेट हो जाएगा, रात हो जाएगा, नहीं तो स्टार्ट करके आपको दिखा देते। इसका हेड गैस्केट भी खराब हो चुका था, हेड गैस्केट को भी चेंज किया हूँ। तो फिल्टर पे जो है स्टार्ट कर लिया हूँ, अच्छे से जो है काम कर रहा है। इस तरीके से आप अपना गाड़ी का जो है वो खराब होने से आसानी के साथ घर में बैठ के रिपेयर कर सकते हो। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो मेरा अगला वीडियो है जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। इसको लगाने का टाइम जो है हेड आपको खोलने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिना होल्ड खोले और बना सकते हैं उसको। काफ़ी रात हो चुका है, 10 बज गया है, 10